बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसमें सबको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों इस प्रकार से हो रहा है। कोशिश यही रहेगी हमारी कि जल्द से जल्द कैपेसिटी बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द जितनी भी जो इस समय इनकन्वीनियंस पैसेंजर्स को हो रही है उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। कोशिश यही रहेगी हमारी कि जल्द से जल्द कैपेसिटी बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द जितनी भी जो इस समय इनकन्वीनियंस पैसेंजर्स को हो रही है उसको हम पूरा करने की कोशिश करें। हमारी ये भी आशा है कि जो जो रेजोल्यूशन का प्रोसेस गोयर ने अपनाया है उसमें उनको जल्द से जल्द सफलता मिले और जल्द से जल्द वो हवा में वापस आ सके। सर, कुछ पैसेंजर्स का कहना है उन रूट पे जहाँ गोयर था कि वहाँ जो एयरलाइंस है बहुत ज़्यादा देखिए, ये कुछ देर के लिए ये मिसमैच रहता है डिमांड और सप्लाई में और जल्द ही ये सुधर भी जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल पहले भी इसी प्रकार से प्रॉब्लम हुई थी और बहुत जल्द इसका समाधान निकल जाएगा। सर, रिसेंटली हमने अभी लास्ट वीक ही प्री कोविड सर्च का जो पेशेंट ट्रैकिंग था उसको क्रॉस किया है और सर उसी बीच एक एक खबर आती है कि एक एयरलाइन डाउन हो जाती है। जी, सर, इसमें बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसमें सबको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों इस प्रकार से हो रहा है। उनका एक स्पेशल एक सर्कमस्टांस था गोएयर का जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में सबको बताया है और हमारी आशा यही है कि उस प्रॉब्लम का भी जल्द हल निकलेगा।